नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप माई जियो ऐप पर जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमने जो है अपने मोबाइल में जियो ऐप को ओपन किया हुआ है। हमें जो है इस पर एक जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बैंक का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका जो एम पिन है वो इसके अंदर एंटर करना है। एंटर करते ही देखिए, ऊपर में ही, सबसे ऊपर में ही आपको क्रिएट ए अकाउंट जियो पेमेंट बैंक। तो क्या करना है, हमें एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट एनी अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए, यहाँ पे जो है अब हमारा डिटेल लिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है हम इस मोबाइल नंबर का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। उसके लिए प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब जो है यहाँ पे इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जो इसके अंदर एंटर करके फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है आपको अपना एक ईमेल आईडी जो है इसके अंदर एंटर करना है। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसे आपको इसमें एंटर करना होगा। तो यहाँ पे हम अपने ईमेल आईडी पे, हमारे पास जो है ओटीपी आ चुका है, तो हम इसे जो है इस ओटीपी को इसके अंदर एंटर करेंगे। इसके बाद प्रोसीड, इतना करते ही अब आपको इसे स्लाइड करके नीचे आना है और आई एब्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। आई एब्सट्रैक्ट पे क्लिक करते ही अब देखिए, यहाँ पे जो है हमें जो सेविंग अकाउंट है और उसके बाद जो रुपए कार्ड के बारे में जो है डिटेल्स दिया गया है कि हमें जो है कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, हम जो है इसी अकाउंट को ओपन करने वाले हैं, जिसमें हमें एक डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटिनियम डेबिट कार्ड दिया जाएगा, जो कि रुपए का है और इसका भी कोई चार्जेस नहीं है। और दूसरा क्या है, विदाउट डेबिट कार्ड, तो हम डेबिट कार्ड वाला लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है आपको अपना पैन कार्ड नंबर जो है एंटर करना है और यहाँ पे आधार कार्ड, और इसके बाद आपको गेट जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आधार कार्ड पैन कार्ड डिटेल एंटर करके सेंड जो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो अब आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। अब क्या होगा कि जो आपके मोबाइल नंबर के साथ, आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, जिसे आपको इसके अंदर एंटर करके वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, हम इस ओटीपी को इसके अंदर एंटर करेंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे डाटा को जो है यहाँ पे ये सेव कर लेगा, जैसे कि हमारा एड्रेस वगैरह जो है यहाँ से सेव कर लेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो ये एड्रेस है सही है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको वेट करना है। अब देखिए, यहाँ पे जो है हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाएगी, जहाँ पे इसके लिए आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। इसके लिए हमें अपनी एक सेल्फी लेनी होगी। तो यहाँ पर जो है हमने अपनी सेल्फी ले ली है। अब यहाँ पे ये वेरीफाई करेगा, जिसके लिए हमें 4 सेकंड वेट करना है। अब आपको अपनी फैमिली डिटेल भरनी है, जिसमें आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम मैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सभी डिटेल्स को भर लिया है। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको जो है इनकम सोर्स बिजनेस, एनुअल इनकम जो है आप जो साल का जो इनकम है वो आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आई एम इंडियन सिटीजन पे क्लिक करना है और इसके बाद जो है प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर ले, नहीं तो स्किप नाउ पे क्लिक कर दें। स्किप नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे प्रोसीड पे फिर क्लिक करना है।
प्रोसीड पे क्लिक करते ही अब देखिए आपका डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आप मैरिटल स्टेटस और यहाँ पे आपका फादर नेम, मदर नेम आदि सभी डिटेल्स जो है आपको देखने को मिलेगी, और फाइनेंशियल डिटेल्स में आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है आप यहाँ पे अगर किसी चीज़ को एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है, जिसमें आपको नीचे अकाउंट डिटेल्स भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड जो है हमें रुपए का प्लेटिनियम डेबिट कार्ड मिलेगा, और यहाँ पे जो है नेम प्रिंट होके क्या आएगा वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चार्ज भी अभी जो है बिल्कुल फ्री है, आपको किसी भी तरीके का इसमें चार्ज नहीं देना है। अब यहाँ पे आपको बस सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपका एक रेफरेंस नंबर जो है जनरेट हो चुका है, यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आप किस तरीके से जो है आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको एक कैमरे का यूज़ करना होगा, फ्रंट कैमरे का। इसके बाद जो है आपसे आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और जो है लेना है, आधार कार्ड लेना है, और इंटरनेट कनेक्शन जो है बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर अभी आप तुरंत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल जो है आपको यहाँ पे स्टार्ट एजेंट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें वीडियो केवाईसी के लिए बस हमें नाउ पे क्लिक करना है। नाउ पे क्लिक करते ही अब जो है हमें कुछ देर वेट करना है। यहाँ पे एजेंट कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, करना चाहता हूँ। ओरिजिनल पैन कार्ड, एक मिनट। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। 4813 93। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, एक मिनट, बैक कैमरा। ठीक है, थैंक यू सर।
तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो है आप अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा, हमने जो है वीडियो KYC कंप्लीट किया जियो पेमेंट बैंक का। तो इसी तरीके से आपको भी अपना जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट करना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।